हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ एलजी कंपनी की रिसेंटली लॉन्च की गई 235 लीटर्स की डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर के बारे में। इस फ्रिज के साथ प्रोवाइड किया गया है बेस ड्रॉर, जिसमें हम लोग ड्राई वेजिटेबल्स यानी कि आलू या प्याज रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए फ्रिज के मॉडल के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पर प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फ्रिज की स्पेसिफिकेशंस। इसका मॉडल है GL D241 ASED। ये 235 लीटर का डायरेक्ट कूल फ्रिज है और इसका कलर है स्कारलेट यूफोरिया। ये फ्रिज 63 वाट्स का यूनिट कंज्यूम करती है और इसकी MRP है 27,899 रुपीज़। और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन डिटेल्स स्कीम। मैं बेस प्राइस का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इस फ्रिज को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये फ्रिज एक 3-स्टार फ्रिज है और 1 ईयर में अप्रॉक्स 169 पावर यूनिट्स कंज्यूम करती है। अगर आपके यहाँ वोल्टेज की रेंज 135 वोल्ट से 290 वोल्ट के बीच में है तो अलग से सप्लाई से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे प्रोवाइड किया गया इस फ्रिज का लॉन्ग ग्रिप हैंडल, अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करती है ये हैंडल। और उसके नीचे इसका लॉक प्रोवाइड किया गया है। फ्रिज के डोर पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक की प्रोटेक्टिव फिल्म लगी है। इस फ्रिज को यूज़ करने से पहले आप इस फिल्म को ज़रूर हटा दें। फ्रेंड्स, आइए अब इस फ्रिज को सारे साइड से क्लोजली देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बेस ड्रॉर प्रोवाइड किया गया है। इसकी साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्लाइड करके इसे बाहर निकाला जा सकता है और फिर आप कुछ इस तरह से इसे फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि फ्रिज की साइड्स गर्म हो सकती है और ये कोई ख़राबी नहीं है। फ्रिज के टॉप पे आप कभी भी गर्म यूटेंसिल्स ना रखें। और यहाँ पे आप कंप्रेसर देख सकते हैं और कंप्रेसर के ऊपर ड्रिप ट्रे है, जिसमें सारी एक्सेस लिक्विड आकर स्टोर हो जाती है। आइए अब इस फ्रिज को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके इनसाइड व्यू को। फ्रिज को ओपन करने के बाद यह है इसके इनसाइड व्यू का फर्स्ट इम्प्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फ्रीजर सेक्शन प्रोवाइड किया गया है और इसे फास्ट फ्रीजिंग जोन नाम दिया गया है। इसके डोर को कुछ इस तरह से पुल करके ओपन किया जा सकता है और पुश करके आप लॉक कर सकते हैं। आइए अब इसके अंदर के सेक्शन को देख लेते हैं। फ्रीजर की स्पेस अच्छी दिख रही है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फ्रीजर से जब भी आइस को निकालना हो तो उसे शार्प ऑब्जेक्ट से निकालने की कोशिश न करें और हमेशा डिफ्रॉस्ट बटन का ही यूज़ करें। सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, हमेशा डिफ्रॉस्ट बटन का ही यूज़ करें।
यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर नॉब प्रोवाइड किया गया, जिसकी मदद से फ्रिज के टेम्परेचर को सेट किया जा सकता है। इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं और उसके बाद सीजन के अकॉर्डिंग टेबल को देखकर आप इसकी टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। समर के टाइम पे इसे हाई कूलिंग पे सेट करके रखना है। डिफ्रॉस्ट करने के लिए आप यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, सेंटर में दी गई बटन को एक बार प्रेस कर दें। फ्रीजर सेक्शन के नीचे चिलर ट्री प्रोवाइड किया गया है, कुछ इस तरह से पुल करके इसे निकाला जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिप दी गई है इसे ओपन करने के लिए। और चिलर ट्रे में यूजुअली हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स रखते हैं। चिलर ट्रे में एक होल भी प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मदद से सारी लिक्विड बाहर ड्रिप ट्रे में स्टोर हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन शेल्फ प्रोवाइड की गई है, शेल्फ को आप पुल करके बाहर निकाल सकते हैं। टफन ग्लास की बनी हुई शेल्फ होती है और आप इसे किसी भी स्लॉट में फिक्स कर सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। यूटेंसिल्स बड़ी या छोटी हो तो उसके अकॉर्डिंग इसके साइज को आप स्लॉट में फिक्स करके एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर भी एक कवर प्रोवाइड की गई है, प्लास्टिक की बनी हुई ये शेल्फ है या कवर भी कह सकते हैं इसे, और इसके मॉइस्चर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्विच दिया गया है और इसे कुछ इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। और यह है वेजिटेबल एंड फ्रूट बॉक्स, अच्छी क्वालिटी की बॉक्स प्रोवाइड की गई है। और कंप्लीट बॉक्स पे एक ग्रिप दिया गया है और यह है इसका क्लोज व्यू। और ये इस फ्रिज की डोर साइड, और यहाँ पे आप चार छोटी छोटी रैक्स देख सकते हैं, ये मल्टीपर्पज़ रैक है। और उसके बाद बोतल के लिए एक रैक दी गई है, उसके बाद बोतल के लिए दूसरी रैक है, और एक छोटी रैक दी गई है मसाला पैकेट्स को रखने के लिए। ये है आइस ट्रे फ्रीजर में यूज़ करने के लिए, दो आइस ट्रे प्रोवाइड की गई है, साथ में एक एग ट्रे दिया गया है, एग और लेमन ट्री कह सकते हैं आप इसे। और ये है क्विक रेफरेंस गाइड, जिसकी मदद से फ्रिज को क्विकली इंस्टॉल किया जा सकता है। और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी गई है और कैसे इसे मेंटेन रखना है, वो सारी डिटेल्स इस रेफरेंस गाइड में प्रोवाइड की गई है। और ये इसका लॉक की, जिसकी मदद से फ्रिज को लॉक एंड अनलॉक किया जा सकता है। सिर्फ एक की प्रोवाइड की जाती है। और यह यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर, फ्रिज की कंप्लीट डिटेल्स को जानने के लिए आप इस मैनुअल को रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी एलजी कंपनी की रिसेंटली लॉन्च की गए 235 लीटर थ्री स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।